सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQLite के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता SQLite क्या होता है, तो वो एक डेटाबेस होता है। और डेटाबेस जनरली हम जो हमारे फ़ोन या फिर कोई ऐप में या कोई साइट में यूज़ करते हैं, तो डेटाबेस हमारा इस काम आता है। हम उसमें कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं वर्चुअली। तो जैसे आप नॉर्मली कॉपी पेन से लिखते हैं, अपनी जो बुक्स हैं या कॉपीज़ हैं उनमें नोट्स बनाते हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन है उसमें डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस यही काम आता है, हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है या लॉगिन आईडी वगैरह है तो हम उसको एक डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, वर्चुअल स्टोरेज में रख लेते हैं। सो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे SQLite का यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन में, या फिर ये जो क्वेरीज होंगी आपका कहीं भी रन हो जाएगी। जरूरी नहीं आप पाइथन में ही करें, आप MySQL में भी कर सकते हैं। काइंड ऑफ सेम होती हैं अपने जो क्वेरीज हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे import SQLite3 SQL। अब जो हमारा SQLite3 मॉड्यूल है ये हमारी पहले से इंस्टॉल्ड आती है पाइथन में, तो हमें इसको अलग से pip इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पहले से इंस्टॉल्ड आएगी। अब मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक DB ब्राउज़र है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसका डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी विंडोज़ के लिए। सो बेसिकली क्या करता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपना जो डेटाबेस है हम उसको एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसमें टेबल बना सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे कोड से कर रहे हैं हम वहाँ पे बटन्स वगैरह मतलब एक अच्छे GUI से कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कोड से करना सिखाऊंगा कि आप कोड से कैसे टेबल बना सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। पर हाँ, वो जो DB ब्राउज़र उसे देखने में आसानी हो जाएगी क्या सेव हुआ और क्या नहीं हुआ। सो एनीवेज अब हम यहाँ पे चलते हैं अपना जो डेटाबेस है उसको बनाते हैं। तो हम यहाँ करेंगे कॉन इज इक्वल टू SQL.connect एंड देन यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम आएगा, जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम। तो इस केस में मैं दे देता हूँ डेमो, या फिर डेमो नहीं, DataB.DB। और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसने फिनिश दिखा दिया। और जब आप अपने स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, मतलब जहाँ पर भी आपका मेन स्क्रिप्ट थी, जो भी आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट है, वहाँ पे आपको एक अपना डेटाबेस मिल जाएगा DataB के नाम से, या जो भी आपने सेव किया है। सो नेक्स्ट थिंग अब आप क्या करेंगे कि हमारा जब डेटाबेस बन गया है तो हम अब डेटाबेस को खाली तो छोड़ेंगे नहीं कि भाई डेटाबेस बन गया बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें हम बनाएंगे टेबल्स। तो टेबल इस लाइक कि मान लीजिए आपको बैग और उसमें बुक्स रखी हैं, तो बैग तो आपका डेटाबेस हो गया और बुक्स हो गए टेबल। तो टेबल में हम अपने डेटा इंसर्ट करते हैं, मतलब जैसे नेम, एज, या फिर कुछ भी आप जो भी चाहें, कोई पैराग्राफ या लाइन वगैरह। सो सबसे पहले हम एक कर्सर बनाते हैं। तो कर इज इक्वल टू con.cursor, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे CUR की जगह मैंने CUR कर दिया है। जब यहाँ करेंगे cur.execute एंड देन con.commit con.close। तो अब मेन चीज़ है कि हमारा जो बदलता है इसमें खाली ये वाली चीज़ बदलती है, यहाँ जो हम लिखेंगे, बाकी ये जो बाकी सिंटैक्स हैं वो सारे सेम रहते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया इससे, देन हम एक कर्सर बना रहे हैं। तो कर्सर हमारा बेसिकली हमें कोई भी टेबल बनाने या एडिट करने में काम आता है, फिर उसका डेटा देखने में काम आता है। तो कर्सर हमारा एक हेल्पर टूल है जो हमें ये सब करने में मदद करेगा। एंड देन हमारे जो SQLite3 का डेटाबेस है हम उसको कमिट कर रहे हैं, यानी सेव कर रहे हैं जो भी हमने एग्जीक्यूट में रन करवाया कमांड, एंड देन क्लोज कर देते हैं। तो इससे होता है कि वो सेव हो जाता है जो भी हमने किया है, वरना ये तो आप बंद करेंगे तो वो सेव नहीं होगा और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं क्वेरीज, मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए। तो हम यहाँ cur.execute में क्या होगा, हम अपनी क्वेरीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमारा होगा डेमो, और उसमें दो कॉलम होंगे, एक तो होगा नेम और एक होगा हमारा एज। तो अब हम यहाँ पे अपना जो नेम है उसको हम देना चाहते हैं स्ट्रिंग। तो एक तो हमारा बन जाएगा नेम का कॉल रो और एक बन जाएगी एज की रो। तो हम एक तरफ नेम भरेंगे और फिर दूसरी तरफ एज भरेंगे। तो यहाँ नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, और यहाँ इंटीजर। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या है। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो रो हैं
उनका टाइप डेटा टाइप डिफाइन होता है। तो हम जो हमारा जो नेम है हम उसे वो चाहिए टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग, और जो एज है हमारा वो इंटीजर चाहिए। तो अब जो डेटाबेस बनेगा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बन जाएगा कि हम यहाँ जो एंटर करेंगे यानी नेम वाली रो में वो हमारा टेक्स्ट होगा, और जो एज वाली रो में हम एंटर करेंगे वो हमारा कोई नंबर होगा। तो अब जब हम इसको रन करते हैं तो अब देखिए यहाँ तो इसने दिखा दिया फिनिश्ड। तो अब हम ये देखें कैसे कि हमारा क्या बना है टेबल में, उसके लिए हम काम लेंगे हमारा डीबी ब्राउज़र। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो अभी जाएंगे ओपन डेटाबेस, एंड आपकी जो भी लोकेशन होगी उस डेटाबेस तक जाए और उसको डबल क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया हमारा डेटाबेस। सो नाउ अब हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउज डेटा। तो ब्राउज डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हमको एक नेम एंड एज का रो मिल गई है, नेम और एज की जो रो है वो मिल गई है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी नेम है वो है टेक्स्ट एंड एज है हमारा इंटीजर। तो अब जो भी हम इसमें ऐड करेंगे वो हमारे यहाँ पे ऐड होता जाएगा, मतलब जो भी हम सेव करते जाएंगे चीज़ों को कि नेम हमारा ए है और एज 16 है, तो यहाँ पे वो अपने आप शो होता जाएगा। सो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं वापस। ओके तो हमने टेबल तो बना ली हमारे नेम एंड एज के साथ। अब मेन चीज़ आती है कि हम इसमें इंसर्ट कैसे करें चीज़ों को। तो इंसर्ट करने के लिए हम करेंगे इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम डेमो एंड देन वैल्यूज, और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू डाल देंगे मतलब जो भी हमको सेव कराना है। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नमन एंड एज 14। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी डेमो टेबल है उसमें जो का तो सेव हो जाएगा, यानी नेम की जगह पे तो नमन आ जाएगा और एज में 14 आ जाएगा। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जाएंगे हम और फिर जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा नेम में आ गया नमन एंड एज में आ गया हमारा 14। सो दैट्स हाउ आप कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं एक और हमारा जो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रौनक और इसकी एज दे देते हैं हम 20। तो अब जब हम इसको रन करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और एंट्री आ गई रौनक 20। सो दैट्स हाउ आप कैसे इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं हम डेटा को। सो आप चाहें जितनी इसमें एंट्री कर ले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप 3 रो बना सकते हैं, 5 रो बना सकते हैं, फिर उनमें डेटा ऐड कर रहा है नेम एड्रेस रोल नंबर फ़ोन नंबर जो चाहे वो। सो दैट्स हाउ यू डू इट, यही तरीका है आप कैसे डेटाबेस बना सकते हैं और उसमें कैसे एंट्री करा सकते हैं हमारी टेबल में डेटा की। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक दे दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भाई ये वीडियो आ गई है। SQLite 3 में जो आगे पढ़ेंगे मैं उसकी वीडियो और भी डालूंगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। सो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।